लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतनी माँ भी नहीं रोती है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। एक पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है बेटी, सबसे बड़ी दौलत। बेटी बाप की एक जायदाद है। लोग भले कहते हैं कि बेटी की विदाई में मां रोती है, पर शिव महापुराण कहती है कि जब पार्वती जी विदा हुई थी तो हिमालय राज पत्थर भी रो दिया था। हिमालय राज, ये मेरी बेटी है। पिता बेटी की पढ़ाई में बहुत पैसा लगाते हैं। पिता बेटी की घर के लोग कहते हैं इतना मत पढ़ाइए, दूसरे कॉलेज में पढ़ने मत भेजो, इतने बाहर दूसरी जगह पर बच्चों को पढ़ने मत भेजो, कब लड़कियां गलत संगत में पड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। ये पिता से कहा जाता है, मां से नहीं, बाप से बोला जाता है हर जगह पर, मत भेजो पढ़ने। पर बाप का विश्वास है बेटी, एक पिता की शान है बेटी, एक पिता की जायदाद है बेटी, एक पिता की दौलत है बेटी। बेटी पर विश्वास कर बाप कहता है, लाडो तू पढ़ने जा रही है, मैं तुझे इंदौर भेज रहा हूं, मैं तुझे पुणे भेज रहा हूं, मैं तुझे मुंबई, मैं तुझे भोपाल, मैं तुझे कहां पढ़ने भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं पापा, पर फीस बहुत ज्यादा है, तू क्यों चिंता करती है। रात दिन कमाता है बाप, सुबेरे 8 बजे दुकान खोल कर बैठता है, रात को 10 बजे तक बंद नहीं करता। दुनिया के लोग कहते कंजूसड़ा है, क्या करेगा इतना कमाकर, पर उस बाप से पूछो कि मुझे बेटी को पढ़ाना है, घर में 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटियां हैं मेरी, मेरे को पढ़ाना है और उनका विवाह करना है। 11 बजे तक आता है, भूखा रह जाता है बाप, पर बेटी को पढ़ाता है, अच्छे कॉलेज अच्छा स्कूल तक पहुंचाता है। बेटी अच्छी जगह पहुंच जाती है, पर बाप से बेटी का विश्वास, पिता का जो विश्वास है बेटी, पिता बेटी से कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि एक बार मेरे हाथों से कन्यादान जरूर करवा लेना। उसने अपनी सारी दौलत लगा दी, जायदाद लगा दी, संपदा लगा दी, उसने अपना पूरा वैभव लगा दिया, अपना जवानी उस बाप ने बेटी के पढ़ाई में लगा दी, बर्बाद कर दिया समय अपना, कमा कमा कर बेटी की पढ़ाई में लगा दी। बस एक बाप की दिली इच्छा होती है कि वो बेटी का कन्यादान करे, और बेटी से निवेदन है तू अपने पिता के विश्वास को तोड़ना मती। अगर तेरे सर्विस लाइफ में, अगर तेरे स्कूल लाइफ में, अगर तेरे कॉलेज लाइफ में कोई मिल भी गया तो निवेदन है उस बाप का मुख सामने जरूर देख लेना कि मेरे पिता ने कहा है कि उस पिता का विश्वास ना टूटे। मेरा बाबुल अगर सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हुआ था तो पिता को बाद में मालूम पड़ा कि तेरे पति की उम्र कम है, तो सावित्री कहती है पिता अगर तूने कन्यादान करा है किसको मालूम कौन कम मर जाए। ये तो मालूम पड़ गया सावित्री को, सावित्री के पिता को कि ये मरने वाला है सत्यवान। तो पिता तू चिंता मत करना, तूने बेटी को जन्म दिया है और बेटी का कन्यादान करा है, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरी बेटी अगर तूने कन्यादान करा है पिता, तो ये बेटी अपने पति के भी प्राण यमराज से छुड़ा कर ले आएगी, और लाई वो सावित्री सत्यवान के प्राण छुड़ा कर केवल एक पिता से। एक पिता की जो विश्वास है, एक पिता का जो आनंद है, एक पिता का जो भाव है, बेटियों से निवेदन उसको तोड़ने मत देना। एक बाबूल ने अपनी संपदा लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, एक पिता ने अपनी दौलत लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, उसको डिगने मत देना रे। मां बेटे को ज्यादा चाहती है और बाप बेटी को बहुत चाहता है। जब बेटी चली जाती है ना,
माँ पर तो कोई बात नहीं, पर पिता पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब दुकान से आता था, जब कहीं से आता था, बेटी दौड़कर पापा पानी लाऊं क्या, अभी बेटी दौड़कर पानी लाती, पापा क्या बात है आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ नहीं बेटा कुछ भी नहीं। बाबूल का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन वो ब्याह पक्का करके आता है बेटी का, बाप जिस दिन बेटी का विवाह पक्का करके आता ना घर पर आता प्रसन्न बहुत होता है, पत्नी कहती है हो गया संबंध पक्का, हाँ बेटी को देखता है तो आंखों में जल भर जाता, पापा क्या हुआ तुम पक्का करने गए थे विवाह, मां कुछ कहा है आपको, आप बस बाप आंख में से आंसू बहाकर कहता है अब थोड़े दिन बचे हैं तुझे भेजना पड़ेगा, पापा मैं बहुत पास में तो हूं ना तुम मुझे मिलने तो आ जाओगे ना, बेटी बाबू कहता है एक बार बेटी घर के दरवाजे से जो जाती है फिर उसकी प्राप्ति क्या, पापा एक बात कहूं कुछ मांग तो नहीं करी ना पापा, नहीं बेटा कुछ नहीं मांगा, पापा एक बार गले तो लगा लो, बाप बेटी को गले लगाता है, धीरे धीरे विवाह का समय नजदीक आ जाता है, माता पूजन का समय आता है, बाप आगे आगे चलकर देवी की पूजन करता है, पेरावनी होती है, कपड़े पहनता है मंडप के, जब कन्यादान का समय आता है जाओ कोई वस्तुएं, कोई वस्तुएं कन्यादान की जल्दी वो बर्तन रखे हैं लेकर आइए, वो सामान रखा है लेकर आओ, बेटी की विदाई में बाप क्या ना दे दे साहब, क्या ना दे दे, बस चेहरा छोटा है, बार बार बेटी अपने पिता को देखती है, पापा क्या बात है थक गए हो विवाह का काम करते, नहीं लाड़ो थकान नहीं बस पापा बहुत थके दिख रहे हो, भोजन तो करो, सामने भोजन की थाली लगी रहती है, बाप निवाला तोड़कर खा नहीं पाता, निवाला उसके सामने है पा नहीं पाता, पापा ले ओ तो थोड़ा सा भोजन लाड़ो नहीं बनता, धीर बंधाओ पत्नी, पिता देख रहे हैं, धीरे धीरे भावर पूरी हो जाती है, विदाई का समय आता है, सखियां सहेलियां चाची काकी सब सामने होती है, पर विदाई में पिता कहीं छुप जाता है, उसको ढूंढा जाता है, बुलाओ पिता से एक बार मिला दो, जाती है पिता को बुलाइए,